हेलो एवरीवन, सो योर एग्जाम्स आर फाइनली ओवर, बट फिर भी टेंशन ओवर नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? सो आर यू गिल्टी ऑफ नॉट गिविंग 100% इन योर सीएस एग्जाम्स? जो अभी दिसंबर 2023 में आपका एग्जाम हुआ था, क्या आप 100% नहीं दे पाए? क्या आप अनश्योर हो कि आप पास होगे या नहीं होगे? इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं. सबसे पहला रीज़न तो पेपर सॉल्विंग में, क्योंकि एनालिटिकल स्किल्स लगता है तो वो अच्छे से नहीं हुआ होगा, या फिर जब जो क्वेश्चन पूछा था तब वो टाइम पर याद नहीं आ रहा था, रिकॉल नहीं कर पा रहे थे हम, या फिर एग्ज़ाम में बहुत पैनिक हो गया क्योंकि न्यू सिलेबस का तो कांड हमें पता ही है. यस, 100% थ्योरी पेपर आ गया तो एकदम से जब स्टूडेंट्स देखते हैं कि यार 100% पूछ लिया है और पूरा का पूरा थ्योरी पूछा है, तो हमें समझ नहीं आता है कि अब क्या करें. यस, कई बार टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है. ये कई सारे रीजंस हैं, और भी दूसरे रीजंस होते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, या हम लोग हमारा 100% पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाए, या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देख कर हम थोड़ा पैनिक हो गए. यस, सो ऑल ऑफ दीज कुड बी रीजन्स जिसकी वजह से आपने शायद आपका 100% ना दिया हो, या आप एकदम जैसा आपको चाहिए था कि आपका पेपर जाए वैसा नहीं हुआ. तो अब क्या करना चाहिए? आपने फिर से पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए, फिर से वही 10 घंटे पढ़ाई चालू कर दे. और दीदी, हमने तो एक ग्रुप दिया था, लेकिन अब बोथ ग्रुप्स की चालू करें या सिर्फ सेकेंड ग्रुप की चालू करें, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है, या बढ़िया से चिल करें और रिजल्ट का वेट करें. बट रिजल्ट का वेट तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी भी 1.5 मंथ ऑलमोस्ट बचा हुआ है आपके रिजल्ट के लिए. रिजल्ट आएगा 25 फरवरी को, जिसके मतलब अगर हम अभी का टाइम गिने तो आपके पास फिर भी 1-1.5 मंथ आराम से है. यस, तो हमें ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अनलेस हम कोई और कोर्स परस्यू कर रहे हैं, या फिर हम लोग कोई और हमारा ना स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं. वो आपको करना ही चाहिए, यही टाइम है वो सब करने का. लेकिन इसके साथ साथ और क्या करना चाहिए? जो गिल्टी आपको फील हो रहा है ना, अभी आप ऐसी क्या चीज़ कर सकते हो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कि आप जो आपके ये रीजंस थे जिसके वजह से आप 100% नहीं दे पाए, वो अब दे पाओ. So let's have a look at the things to correct in the next attempt, in the next exam. सबसे पहली चीज़ है सिलेबस कंप्लीट करो. काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम के पहले तक लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं हुए थे देखना, या उन्होंने सारी क्लासेस ही नहीं अटेंड की थी. सो फर्स्टली डू दैट, क्योंकि यार हमें कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि हम पास होने वाले हैं या नहीं होने वाले. यस, दूसरी चीज़ है डू मोर ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस. अभी से अगर आप अभी से रिजल्ट तक सब लोग वेट करने वाले, अगर आप भी उसी कैटेगरी में आ गए तो एक महीना आपने भी वेस्ट कर दिया, ऐसे समझ लीजिए. डू मोर राइटिंग प्रैक्टिस. रोज़ एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो. यस, और अच्छा, अगर आपको ऐसे लगता है कि दीदी हमने अभी अभी ग्रुप 1 दिया है, फिर से हम ग्रुप 1 नहीं पढ़ सकते, भले हमको पता है कि हम पास नहीं होने वाले, फिर भी हमें वो तो नहीं पढ़ना है, तो आप ग्रुप 2 का वो चीज़ सेम चालू कर दो ना. जून 2024 में जब आप एग्ज़ाम देने वाले हो, तो ये जो सारी मिस्टेक्स आपने पहले कर ली है और ये आपको पता है, तो एटलीस्ट नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए तो पहले से ही प्लान कर लो. सो डू मोर ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस. ऐसे प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस जिससे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बढ़े, कि आप सोच पाओ कि ऐसे क्या पूछा हुआ है, इसमें क्या करना चाहिए. केस लॉ वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सीएस के सारे ही पेपर्स में, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ का प्रैक्टिस करो. केस लॉ वाले क्वेश्चंस को और ज़्यादा प्रैक्टिस करो. फोर्थ इज सॉल्व स्कैनर्स या फिर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, बोथ आर वन इन द सेम थिंग. या तो आप स्कैनर्स सॉल्व करना चालू कर दो या फिर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उससे मतलब ऐसा हो जाता है कि हम लोग ज़्यादा टाइम दे रहे हैं सोचने में कि ऐसा क्यों हुआ. भले ही वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन उससे हमें हेल्प मिलेगी कि कैसे हम लोग आगे आंसर्स लिखें. यस, एंड प्रिपेयर गुड शॉर्ट नोट्स. एंड व्हाई डू आई से गुड? क्योंकि हम लोग चालू तो करते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, लेकिन फिर बीच में ही रुक जाते हैं. क्यों? क्योंकि दीदी टाइम ही नहीं है हमारे पास कि हम लोग एग्ज़ाम के पहले के लिए जो नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए वो प्रिपेयर कर ही नहीं पाते हैं. तो अभी से ही ऐसी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, ऐसी अच्छी वाली शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो जो आप एग्ज़ाम के पहले रेफ़र कर सको. ऐसी चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम के पहले देखनी ही देखनी है,
तो अभी जब पढ़ाई कर रहे हो ना, जो चीज़ आपको ऐसी लग रही है ना कि यार ये तो एग्ज़ाम के पहले देखना पड़ेगा मुझे, उसको वहाँ लिख लो, वो ऐसी शॉर्ट नोट्स बना लो उसकी, अच्छी सी सुंदर सी शॉर्ट नोट्स बनाओ, सो दैट 2-3 महीने बाद भी आप उसमें से देख कर रेफर करके पढ़ाई कर सको। ऐसी नोट्स बनाना, नहीं तो वेस्ट हो जाएगी। यस, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर जून 2024 एग्ज़ाम्स। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी जून 2024 की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों को भी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए, सो दैट यू आर नॉट गिल्टी फॉर गिविंग नॉट गिविंग योर 100% इन एग्ज़ाम्स। यस, ऑल राइट, सो आई विल कम अप विद मोर सच वीडियोज़। अगर आपका कोई रिकमेंडेशन होगा तो देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ऑल राइट देन, बाय बाय, टेक केयर, आउट।